मान सम्मान बढ़ाया भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार अब आप लोग समझ गए होंगे कि मेरे बाद सीधे सीधे आप लोगों को आदरणीय मुख्यमंत्री जी का मार्गदर्शन उद्बोधन मिलेगा, तो थोड़ा मेरा सहयोग कीजिए और थोड़ा सा, इतनी बड़ी संख्या में आप लोग पूरे नगरी सिहावा के हमारे भाई बहन आए हुए हैं, तो मुट्ठी भींच के दोनों हाथ उठाएं और मेरे स्वर में स्वर दें, बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, वंदे वंदे नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद, विष्णुदेव साय जी जिंदाबाद, आप सब जिंदाबाद। बहुत आज तो मेरे लिए वास्तव में परम सौभाग्य का विषय है। मैं एक बार आया जरूर था और उस समय प्रदेश महामंत्री था, आप विधायक थी, और भाई साहब मैं ऐसा सीधे निकल गया क्योंकि वो केशकाल बंद था रास्ता। आज वास्तव में आपके इस पवित्र पावन नगरी में आकर मैं धन्य हो गया आप लोगों के दर्शन लाभ करके। सप्त ऋषियों का यह स्थल देखने ही से ही पता चलता है। अक्सर जगदलपुर में कमलचंद जी काफी दिनों से गोल हो जाते थे, तो मैं उनको पूछता था कि कहाँ हैं आप, तो बोले मैं नगरी में हूं। तो वास्तव में आज पता चला इतनी शानदार नगरी है आपकी, इतनी व्यवस्थित है, और आप लोग इतने शानदार वजनदार ज्येष्ठ श्रेष्ठ यहां की जनता हमारे कार्यकर्ताओं का मैं अभिनंदन करता हूं। आज की सभा में आदरणीय हमारे यशस्वी और 90 दिनों में जिन्होंने बड़ी ख्याति अर्जित की अपने कामों के द्वारा, सरल स्वभाव के धनी हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी, मंच पर विराजमान हमारे छत्तीसगढ़ शासन में आदरणीय लोकप्रिय मंत्री, अब वो वरिष्ठ मंत्री हैं, हमारे बस्तर से प्रतिनिधित्व करते हैं आदरणीय केदार कश्यप जी, इस क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद आदरणीय मोहन मंडावी जी, हमारे एक बार खड़े हो जाइए, हमारे यहां तो सिरहा बोलते हैं और बैगा के नाम से प्रचलित है भाजपा के प्रत्याशी भोजराज जी नाग। और बहुत अच्छा हुआ, मैं बताना चाहूंगा आपको, पूरे देश में जितने भी लोग लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं बैगा एकमात्र है। आदरणीय कमलचंद्र भंसदेव जी, आदरणीय पूर्व विधायकगण, हमारी बहन जी पिंकी दीदी शिवराज सिंह, आदरणीय श्रवण मरकाम जी, हमारे बड़े धीर गंभीर जिला के अध्यक्ष, धमतरी जिला हमारे प्रभारी है, जिला के सह प्रभारी, पूर्व में कांकेर जिला के अध्यक्ष हलधर साहू जी, हमारे डागा जी बड़े सफलतापूर्वक संचालन कर रहे हैं, मंच पर विराजमान सभी हमारे वरिष्ठ नेतागण, महामंत्रीगण, जिले के पदाधिकारीगण, हमारे चार मंडल हैं, चारों मंडल के सम्माननीय अध्यक्षगण, सभी पदाधिकारीगण, और आप सभी बड़ी संख्या में हमारी मातृ शक्तियां यहां पर उपस्थित हैं, हमारे भैया बहनों को सबको और साधुवाद, सभी का अभिनंदन। बहुत सारी बातें आपके सामने आ गई हैं, और यहां से अभी 7-8 किलोमीटर में आदरणीय मुख्यमंत्री जी का प्रवास भी है, बैठक भी है कुछ संभ्रांत हमारे समाज के लोगों के साथ, तो मैं बहुत कम शब्दों में आपसे आपके सामने बात रखूंगा। हमारे पत्रकार बंधुओं का भी आप सभी का अभिनंदन है, सभी का स्वागत है। एक दो अंतर आप लोगों को मैं सिर्फ याद दिला रहा हूं, जब यहां से सभा में से आप लोग वापस जाएं घर, अरे इधर तो बहुत बड़ी संख्या में है, अभिनंदन है आप लोगों का भी, वाह, तो जरूर याद कीजिएगा ये 5 साल की कांग्रेस की जो सरकार रही और जिसे पूरे देश में संज्ञा दी गई अत्याचारी, अन्यायकारी, भ्रष्टाचारी, दुराचारी, अनाचार, भ्रष्टाचार,
में लिप्त ये सरकार, जिसने जनता से 36 वादे किए विधानसभा चुनाव में, हमें चुन के लाइए, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, युवाओं को रोजगार दे देंगे, महिलाओं को ये करा देंगे, महिला स्वसहायता समूह का कर्जा माफ कर देंगे, न जाने कितना था। और आप लोगों ने देखा होगा 5 साल इनके मुख्यमंत्री, इनके मंत्री सिर्फ पोस्टर में टंगे दिखते थे, रोड में, सड़क के किनारे। इन्होंने जनता के साथ इतना छलावा किया कि 36 वादों को भूल गए, एक भी वादा ये इन्होंने पूरा नहीं किया। और एक हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी यहां विराजमान है, और केंद्र में आदरणीय मोदी जी, मोदी जी की गारंटी पे गारंटी है, वो जो कहते हैं वो करते हैं। उनकी जो गारंटी की योजना है, कितनी योजना है मैं आपको बताना चाहूंगा, इसको जरूर आप लोग सोचिएगा घर जाकर। जब लाल किले के प्राचीर से उन्होंने शौचालय का प्रत्येक गरीब परिवार के घर में निर्माण की बात कही थी, तो विरोधियों ने उसको छींटा कैसी कहा था, बोले कैसे प्रधानमंत्री। लेकिन मैं आपको बता दूं, न सिर्फ देश में बल्कि पूरे विश्व में उनके इस कार्य की सराहना हुई है, क्योंकि गरीब परिवार के घर घर में शौचालय बनाने का काम किया। जनधन खाता, हर गरीब परिवार का जनधन खाता, नहीं तो गरीब परिवार का बैंक में कहां जाते थे, बैंक का चेहरा नहीं देख पाते थे गरीब परिवार। ठीक बोल रहा हूं कि नहीं मैं? आज मोदी जी की जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं हैं, चाहे किसान सम्मान निधि हो, चाहे उनकी उज्ज्वला गैस का मामला हो, चाहे ऐसे कई उनके जो सब्सिडी उनके योजनाओं की आती है, वो हमारे पूरे इन परिवार के खाते में जाती है, बीच में एक भी बिचौलिया नहीं है जो कि उसमें से कुछ पैसा चुरा सके। ऐसी सोच के साथ 10 साल भ्रष्टाचार रहित सरकार देने वाले आज तक के इतिहास में, आजादी के बाद से, और अटल बिहारी वाजपेयी जी और कुछ समय के लिए उसके बाद, एकमात्र प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी है। हमें गर्व होना चाहिए कि हम इस पार्टी के कार्यकर्ता हैं जिसमें ऐसे हमारे के लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं। कितनी कल्याणकारी योजनाएं, अच्छा बताइए जरा, हाथ उठाइए यहां पर, कोरोना के महामारी के समय किस किस को वैक्सीन लगा, हाथ उठाइए जरा। और ये वैक्सीन का निर्माण हमारे देश में करने का स्रोत कौन है? नहीं सुनाई दिया, जोर से, पूरे देश में नहीं बल्कि इसके अलावा 127 देशों में उन्होंने भारत के कोवैक्सीन और कोविशील्ड को बनाकर भेज के दुनिया की जान बचाने का काम किया। साफ सुथरी छवि, 3-3 वैक्सीन लगे, नहीं तो हम मुंह बांध के ऐसा, ठीक बोल रहा हूं ना, क्यों ठीक बोल रहा हूं कि नहीं मैं, ऐसा मुंह में ऐसा करके हम एक दूसरे से परिवार में मिलते थे, घर घर में राशन देने का काम, गरीब परिवार को फ्री में चावल देने का काम, कि कोरोना के समय कोई भटके ना आए और कोरोना के संक्रमण में ना आए, वो घर में पहुंचा के देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। ऐसे कई कल्याणकारी योजनाएं हैं उनकी, बहुत सारे विषय है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी लेंगे। एक बार हमारे मुख्यमंत्री जी के लिए ताली बजा दीजिए सब लोग। और क्यों? इसीलिए कि विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों ने, भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों ने, हमारे धीर गंभीर कार्यकर्ताओं ने जनता के बीच जाकर क्या कहा? अगर हमारी सरकार बनी आपके आशीर्वाद से, तो दीदी लोग बैठे हुए हैं डैश 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 महतारी वंदन में, कितना जोर से बोलिए, कितने लोगों को, सब हाथ उठाइए, तो फिर आप लोग को ताली बजाना चाहिए। दुखी होने का जरूरत नहीं है, आप ही के घर में जा रहा है ये। नब्बे दिन के अंदर सरकार बनी, मुख्यमंत्री जी ने शपथ लिया, शपथ के दूसरे दिन कैबिनेट बैठाया और कैबिनेट बैठाकर मेहतारी वंदन को स्वीकृति दे दी।
पहला किस्त आ गया है, दो दिन में तीन दिन में, अभी एक सभा में आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा दो तीन दिन के अंदर दूसरा किस्त भी आपके खाते में आ रहा है। देखिए कितना तेजी से, कितनी तत्परता है, इनको चिंता कितनी है, घोषणा कर दिए 3 तारीख को आपके खाते में आ रहा है। बताइए तो यहां किसान कितने लोग बैठे हैं, बताइए, हाथ उठाइए। 3,100 में प्रति क्विंटल धान की बात हमने कही थी। हमारे गोपी कश्यप जी बोलते थे क्यों, अरे 25 रुपया देवत है भूपेश बघेल, आप आगे जाओ बढ़ाओ, 100 रुपया 5 रुपया बढ़ाओ। विष्णुदेव साय जी ने, भारतीय जनता पार्टी जी ने नरेंद्र मोदी जी से बात किया, उनने आपका दुख दर्द तकलीफ समझी और प्रति क्विंटल 3,100 रुपए की घोषणा कर दी। अभी कुछ समय पहले ही उसका अंतर राशि भी आप सबके खाते में 917 क्विंटल का गया, गया कि नहीं गया, हाथ उठाइए। 21 रुपए का केदार जी, माननीय केदार जी ने बोला, 5,500 रुपए का तेंदुपत्ता का फल संग्राहकों का केदार जी ने बताया। और एक चीज बता दूं मैं, 2 साल का बकाया बोनस किसी ने मांगा नहीं था, किसी ने मांगा नहीं था, भूल गए थे लोग, लेकिन हम वचन के पक्के हैं, भारतीय जनता पार्टी वचन के पक्के हैं, क्योंकि मोदी है तो, मोदी है तो, और 2 वर्ष के बकाया बोनस की राशि हमारे किसान भाइयों के खाते में डाल दिया गया। आदरणीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन। ऐसे कई बातें हैं। अब मैं अंतिम उसे पायदान में आ रहा हूं, इन बातों को घर में जाके आप समझिए। 5 साल में ये झूठी सरकार कांग्रेस की जो चली, तभी तो पूरी छत्तीसगढ़ की जनता ने इस महज 5 साल में उखाड़ के फेंक दिया। हमारे वादों पर भरोसा किया, भारतीय जनता पार्टी के वादों पर भरोसा किया, मोदी जी के ऊपर भरोसा किया, और अब तो मोदी जी का चुनाव है। चलिए मैं इनका समर्थन करता हूं और आप सभी का समर्थन चाहता हूं, फिर अपनी बात को खत्म करूंगा। बोलिए, फिर इस बार अब की बार। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद सम्माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, जिनको सुनने के लिए, जिनका आशीर्वाद।